मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम लोगों को, मुंबई के सभी नागरिकों को, सभी निवासियों को, माताओं बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने जो आज का विषय है एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर अपनी मुख्तलिफ बात रखी है, मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बात रख रहा हूं, लेकिन जितना डिसिप्लिन क्राउड यहां है मुझे कहीं नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात ये कि जब मैं यहां आया तो नीचे एक दादी ने बुलाया, दुआ दी और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना गुजराती में लिख करके दिया। मुझे गुजराती नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, माला मराठी एक नहीं, लेकिन वो जो गाना है उसकी जो भावना है वो भावना मैं समझ पा रहा था। फिर मेरे बगल में मैंने साथी से मदद ली, उन्होंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना उस कागज में लिखा हुआ है। फिर मैं अचानक से ये सोचने लगा कि ये इतना पुराना गाना है, इसकी जरूरत हमको आज क्यों पड़ रही है। आप देखिए, जो पुरानी नज़्में हैं, जो पुराने गजल हैं, जो पुराने गीत हैं, जिसमें कौमी एकता की बात है, कौमी यकजहती की बात है, वो गाने मशहूर हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे देश के जो महान लोग थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सावित्री बाई फूले, फातिमा सी शेख, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी से जो हमको आजादी मिली थी, क्या हमारे देश के महापुरुषों को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस आजाद शब्द को और आजादी शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि शायद उनको इस बात का अंदाजा था। इसीलिए आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है। ये आजाद देश है, आजाद देश में आजादी की बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन किसको दिक्कत होती है, आजादी का शब्द सुन के किनको परेशानी होती है, जिनको गुलामी पसंद है। आजादी से उन्हीं को दिक्कत होगी जिनको गुलामी पसंद है, जिनको चापलूसी पसंद है। ये वही लोग हैं कि जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई थी तो अंग्रेज से माफी मांग रहे थे। जिस तरीके से मोदी जी रामलीला मैदान में आकर के बोले कि एनआरसी झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो मैं मोदी जी में लगा कि अचानक से सावरकर की आत्मा आ गई है, बस अब माफी मांगने ही वाले हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खास करके मर्द जमात को कहना चाहता हूं। हमारे अभी एक साथी आए और उन्होंने कहा कि हमने अपनी माओं को आंदोलन में लाया है। माफ कीजिएगा जनाब, आपने नहीं लाया है, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है। और वो उनको कोई लाया नहीं है, वो खुद आई हैं। और कैसे आई हैं उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आंदोलन में महिलाएं आ रही हैं उनकी शक्ल तो देख ही लीजिए,
क्या आपने आज से पहले इस देश के किसी आंदोलन में मंच पे इतनी तादाद में महिलाएं देखी थी? कुर्ता पैजामा पहन करके हैं? और क्या नाम है उनका? लाला रामदेव। भाषण दे रहे थे किसी और वस्त्र में, अब भाग गए किसी और वस्त्र में। मतलब भाषण देने के लिए महिला नहीं चाहिए, इनको मुंह छुपाने के लिए, ताली बजवाने के लिए महिला चाहिए। तो मैं सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, साहेब वक्त बहुत तेजी से बदल गया है। आप अगर परीक्षा पे चर्चा की मार्केटिंग के अलावे इस देश की शिक्षा में जो बदलाव हुआ है उसका अगर ध्यान रखे होते तो आपको पता होना चाहिए कि हर दसवीं और बारहवीं की रिजल्ट में महिलाएं लड़कियां पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। और जब लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जो है नीचा की तरह आकर के भाषण नहीं देगी। और आपको क्या लगता है कि एक बार महिलाएं CAA, NRC और NPR का तख्ती लेकर के बैठ गई हैं तो आगे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगी? आप भूल में हैं, आपको बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। आपको यह भ्रम इसलिए हुआ है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के प्रोटेस्ट करती थी, तो इनको लगा कि महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी ही होती हैं। महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं होती हैं, महिलाएं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख भी होती हैं, याद रखिएगा। और आज अगर फातिमा शेख होती तो क्या वो अपने शहर में शाहीन बाग की तरह विरोध कर रही होती कि नहीं कर रही होती? और जब फातिमा शेख विरोध कर रही होती तो क्या उनके बगल में सावित्री भाई फूले बैठते कि नहीं बैठते? ये बात इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये इस देश को समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि घर चलाने की असली जिम्मेवारी महिलाओं पे होती है, और अगर वो उस जिम्मेवारी को छोड़ करके दूसरे जिम्मेवारियों को अपनाना शुरू करती हैं तो वो रजिया सुल्तान भी बनती हैं और रानी लक्ष्मीबाई भी बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बच्चे लेकर के औरतें प्रोटेस्ट के लिए आ रही हैं। हिंदी में एक कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाली, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। अपनी छाती में बच्चे को लगा करके एक हाथ से बच्चा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से तिरंगा उठाए हुए महिलाएं इस देश की क्रांति की प्रतीक हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दौर है, इस दौर को अगर कोई हरा सकती है, पुरुष लोग बुरा मत मानिएगा, मोदी तो आज आया है ना देश में, आप लोग तो उनके लिए घर में कब से मोदी बन करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सच सच बोलिएगा। तो हम मोदी जी से एक बात कह देते हैं थोड़ा हल्के फुलके अंदाज में। मोदी जी ने 3 तलाक बिल खत्म करते हुए कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, झेल लीजिए फिर, झेल लीजिए ना, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है, अब आपसे महिलाएं ही लड़ेंगी। और कान खोल करके सुन लीजिए कि सिर्फ NPR, NRC और CA के खिलाफ नहीं, प्याज जो 200 रुपए किलो उनको खरीदना पड़ रहा है उसके लिए भी लड़ेंगे। वो जो बच्चा रोते हुए आता है और माँ को कहता है कि मम्मी पनीर खाएंगे, तो मम्मी जब उसको आलू से समझाती है, उसको फुसलाती है, तो उसको पता चलता है कि महिलाई का दर्द क्या होता है। उसको पता होता है कि अपना भी साड़ी खरीदने का मन है, बच्चा का पीटी वाला जूता फट गया है,
तो बच्चा का पीटी वाला जूता खरीद करके देंगे ना कि अपना साड़ी खरीद लेंगे? माँ को ममता पसंद है, कट्टरता पसंद नहीं है बेटी। माँ को प्रेम पसंद है, नफरत पसंद नहीं है मोदी जी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस सरकार को बता देता हूं कि है हिम्मत तो अपनी मां के आंख में आंख मिला करके उससे पूछो कि मैं लोगों का कत्ल करवाना चाहता हूं, देखना वो तुमको क्या करती है। जो हाथ में आएगा जूता या चप्पल, थप्पड़ से तुम्हारा स्वागत करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नफरतवादी इस दौर में अगर नफरत को कोई हरा सकता है तो वो है मोहब्बत, मोहब्बत सिवाय मोहब्बत। इसीलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी को मंत्री बनाने का आंदोलन नहीं है। प्लीज, मैं मंच के दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेहनत करना पड़ नहीं रहा है। बताइए ना, पति कह दें कि चलो आज हमारे पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, तो वो पैसे ही पति पे खिंची रहती है, दिन भर कुर्ता पैजामा पहन करके पान खा करके नेतागिरी छाटते रहते हैं। वो नहीं आना चाहती अपनी टीम में। अभी क्या हुआ है कि पति पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो देखो ना अभी कुकर में दाल लगा दिए हैं, दो सीटी मारेगा बंद कर देंगे, जरा हम प्रोटेस्ट से हो गया। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये आपको मुंडी नहीं लगना चाहिए, ये नंबर नहीं है, ये जगे हुए इंसान है जिनकी इंसानियत और जमीर जागते हैं। और ये लड़ाई हक की लड़ाई है, किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, मिटा दीजिए उन सारे भेदों को। कहते हैं ना अहमदिया है तो क्या क्या कहते हैं, बरेलवी है, देवबंदी है, सिया है, सुन्नी है, पंडित है, दलित है, अगला है, पिछड़ा है, बिहारी है, मराठी है। मिटा दीजिए इन सारे भेदों को, क्योंकि आपके हाथ में तिरंगा है और हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो मंच को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी दफली अपना राग नहीं चलेगा। हर छोटी छोटी लकीर को मिला करके एक बड़ी लकीर बनानी पड़ेगी। और कोई अपने राजनीतिक करियर का चिंता मत कीजिए, एमपी एमएलए बहुत छोटा चीज होता है। मैं कहता हूं कि ये जो हक की लड़ाई है, ये जो तिरंगा आपके सामने फहरा रहा है, आप तमाम लोगों के पास गांधी, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान बनने की गुंजाइश मौजूद है। इस बात का ये नारा कि आजाद देश में हम आजादी चाहते हैं, ये मौज नारा नहीं है, इस बात का संकल्प है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आजादी हमको मिली है वो आजादी हम मिटने नहीं देंगे। और यही उम्मीद हमारे देश के महामानवों ने हमसे की है कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल। इस उम्मीद पे हमको खड़े रहना है और कोशिश ये करनी है कि किसी को चिढ़ाना नहीं है। देखिए ये होता है, योगी जी का नाम ले लेंगे, मोदी जी का नाम ले लेंगे तो लोग ताली बजा देंगे, ठीक बात है। ये भी तो समझिएगा ना कि कभी कभी कोई कोई इंसान इंसानों का दिल चुरा लेता है। तो जो लोग अपना दिल दे बैठे हैं मोदी जी से, दिल लगा बैठे हैं उनसे, तो उनको कहिएगा कि तुम्हारा प्यार खराब है तो गुस्सा आएगा नहीं, स्वाभाविक बात है गुस्सा। तो किसी को घुसाने की बात नहीं है, बस एक समझने की बात है। एक रैली में मैं ऐसे ही गया था तो बिहारी लोग का आदत होता है समझे कि जहां कहीं जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के घर में गया है और वजन नापने वाला मशीन है उस पर जाके खड़ा हो जाए, मतलब हम लोग कोई आदत, कोई भी चीज हो रहा है तो देखने लगे,
तो हुआ ये कि एक रैली के सिलसिले में डॉक्टर साहब के घर में थे, तो मेरे साथ जो लोग थे अपना ब्लड प्रेशर न पाने हमको, अरे यार फ्री का डॉक्टर है तो ब्लड प्रेशर चेक कराने लगे, तो हमको आप भी करा लीजिए। हम लेने मेरा ठीक है, तो बोला हाई रहता है कि लो रहता है, तो हम बोले लो ही रहता होगा, छोटा आदमी है, हम बोले लो ही रहता होगा। तो बोला क्या करते हैं, हम बोले क्या करेंगे जीनूस देख लेते हैं जब ज्यादा लो फील करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको जीनूस देख करके गुस्सा ही आता है, कोई रास्ता तो नहीं निकलता है ना, रास्ता निकलता है क्या, रास्ता कैसे निकलेगा इस पर विचार कीजिए। जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे कि रास्ता कैसे निकलेगा, तो किसी पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये जो पूरा का पूरा लड़ाई है, इस लड़ाई का कुछ खास चीज है। पहली बात, इस आंदोलन में कोई धर्म बचाने की बात नहीं कर रहा, कोई हर कोई संविधान की बात कर रहा है, तिरंगे की बात कर रहा है, जनवाद बचाने की बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कि भेद अपने आप मिट गया है, हर जात का और धर्म का कुछ ठेकेदार लोग हो गया है। और ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार जो है भोज का ठेका लेता है, और उस ठेके का क्या होता है, जब चुनाव होता है तो डील होता है, तो ठेकेदार सब कहता है अपने अपने बॉस को, साहेब इसी कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो रहा है। तो दूसरा चीज ये है कि ये आंदोलन किसी के कंट्रोल में नहीं है, इस आंदोलन का कोई फेस नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन का फेस ये तिरंगा है, देश का संविधान है। और तीसरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि आप सब लोग जो यहां आए हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आपको समझाने की जरूरत है, समझदार है तभी ना आकर के बैठे हुए, हम अनुपम खैर थोड़ी है वो देखने के लिए आ गए। तो आप लोग समझदार लोग, बेसिकली हम लोगों को उनसे बात करने की जरूरत है जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं। तो सबसे अव्वल बात मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है, ये किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समुदाय को, किसी के खिलाफ किसी को बचाने का सवाल नहीं है। इस देश में जो आपको हक और अधिकार मिला है, उस हक और अधिकार के लिए जो सबका है उसको बचाने की लड़ाई, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। किस बात की जंग है? इस बात की जंग है कि जंगे आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। सोचिए कि आज अगर राम प्रसाद बिस्मिल होते और सरकार कहती कि अशफाकुल्ला खान को हम नागरिकता नहीं देंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल क्या करते, बोलिए क्या करते, सोच के। किसी का भी आप नाम उठा करके देख लीजिए, आज अगर सुभाष चंद्र बोस होते और उनका जो साथी जैनुल आबदीन जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, उनकी नागरिकता छीनने की बात होती तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे होते? अगर गांधी जी होते तो क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए नहीं खड़े होते? ये देश है, ये भारत है, इसको समझ लीजिए। अरे कुर्सी का क्या है, 5 साल के लिए आए हैं, आया है फिर चला जाएगा। देश को अगर एक बार नफरत की राह पे लेकर के चले जाइएगा तो ऐसा खूबसूरत देश हम फिर से बना नहीं पाएंगे, इस बात को जान लीजिए। इसीलिए इस आंदोलन में यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि यह लड़ाई उस स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई इस बात के लिए है कि सरकार अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करके, डाइवर्ट एंड रूल करके हमारे जो असली मसले हैं उनसे हमारा ध्यान गुमराह न करे। कितनी चालाकी से यह काम की गई है इसको समझ लीजिए। पहले क्या कहा गया, अरे CAA आ रहा है, अमित शाह बोला CAA आने से पहले कि पूरे देश में NRC लागू करें, फिर प्रधानमंत्री बोले कि NRC नहीं लागू होगा, गृह मंत्री बोले कि नहीं नहीं अभी NRC की बात कहां हो रही है, अभी तो NPR हो रहा है। कितना शब्द हो गया, CAA
एनआरसी एनपीआर प्रधानमंत्री मुंह से बोले नहीं होंगे, गृह मंत्री भी मुंह से ही बोले कि होगा। अब किसका मुंह का बात माने हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्या माने क्या समझे, कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। कौन है शक्तिमान, गंगाधारी शक्तिमान है कि गीता विश्वास शक्तिमान है? हम इस कंफ्यूजन में पड़े रहे तब तक इस देश में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। डेमोक्रेसी के लिस्ट में भारत 10 पायदान नीचे चला गया। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, रोज महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, और एक एक करके हमारी जो राष्ट्रवादी सरकार है वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। बताइए किसको लायक कहते हैं? माँ बाप का घर द्वार जो बेच दे उसको लायक कहते हैं कि या माँ बाप के घर को बचा के रखे और अपने बाल बच्चों के लिए एक नया घर बना ले उसको लायक कहते हैं? बोलिए, जो बेच देगा उसको कि बनाएगा उसको? तो अगर इस देश की सरकार नया एम्स बनाने की बजाय जो पहले से एम्स बना हुआ उसको तबाह कर रही हो तो इसको लायक काम कहा जाएगा कि नालायक काम कहा जाएगा? नया यूनिवर्सिटी खोलने की बजाय जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंटों को पिटवा रही है उसको नालायक कहा जाएगा कि लायक कहा जाएगा? और ऐसी जब नालायक सरकार हो तो मैं समझता हूँ उस सरकार के खिलाफ अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये गुनाह कहलाएगा, गुनाह कहलाएगा। अगर आप जिंदा इंसान हैं तो आपको इस गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन से हम जा रहे थे, पंखा नहीं चल रहा था, तो साथ वाला पैसेंजर बोला कि जोर से ठोकिए चलने लगे, ठोके दो बार नहीं चला तो बोला ऐसा कीजिए कलम से घुमा दीजिए चलने लगे। ऐसा हुआ है नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि खाली हवाई जहाज पे ही चढ़ते हैं, इससे पहले ट्रेन में चढ़ रहे थे। मोदी जी के दुकान पर नहीं गए हैं, मोदी जी के दुकान पर हम नहीं गए हैं, उनके हाथ की चाय हम नहीं पिए। तो लकड़ी से आप घुमाइए आप कलम से, फिर पंखा चलने लगेगा, फिर भी नहीं चला। तो हम बोले जाते हैं कंप्लेन कर देंगे। तो जा रहे थे, चीची आ रहा था, हम बोले सर हमारा पंखा नहीं चल रहा है। तो ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे लगा जैसे हम उससे उसका किडनी मांग रहे हैं। हम भी उसको देखे, बोला कहाँ जा रहे हैं? हम बोले सर दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा टिकट है? हम बोले अरे बाप, हम कहने आए पूछने आए कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है, कि उल्टे ही हमको पूछ रहा है कि टिकट है कि नहीं है। हम असमंजस में पड़ गए। जब भी किसी सभा में कोई कहता है कागज नहीं दिखाएंगे तो हम तो मने मन सोचते हैं कि दिखाएंगे, डिग्री दिखाएंगे, नौकरी दीजिएगा। हर साल इस देश में 5 लाख इंजीनियर बीटेक का डिग्री लेकर के घूमता है, दिखाएंगे डिग्री, दीजिएगा नौकरी, बोलिए तो। अब हमको समझ में आया ये चीची का खेला। चीची का खेला ये था कि अगर इसके पास टिकट होगा ठीक है तब तो ये बोल करके तड़का देंगे कि हो जाएगा थोड़ी देर में चलने लगेगा, अगर टिकट नहीं होगा तो इससे माल वसूल लेंगे। दोनों ही स्थिति में हमको पंखा का हवा नहीं मिल रहा। सरकार हमारे साथ कुछ यही खेलती है कि आप लोग ये ना पूछने लगे कि अच्छा एक बात बताइए, पहला बार मोदी जी आप तो वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे थे और आपका टीवी सब कह रहा था कि आप दुनिया से पूंजी लेकर के आ रहे हैं, कितना लाए, कितना लाए? परदेश कमाने जाइए, घर का लोग पूछेगा कि कितना कमा रहे हो, कितना लाए साहब? बोले 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे और जीडीपी 5% पे पहुंचा दिए हैं। कौन जवाब देगा इसका? आप ये बार बार पूछ रहे थे कि नोटबंदी हो गई
प्रधानमंत्री बोले कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, ऐसी कमर टूटी है कि पुलिस ऑफिसर से लिफ्ट लेना पड़ता है आतंकवादी से। योगी जी के नजर में देवेंद्र सिंह देशद्रोही नहीं है, जेएनयू और जामिया के विद्यार्थी देशद्रोही है। महाराज नहीं अपना तो कम से कम जो वस्त्र आप धारण किए हैं उसका तो सम्मान कर लीजिए। किसको सन्यासी कहते हैं इस देश में? जो राजपाट घर बार छोड़ के सन्यासी किसको कहा गया है? जो माया मोह त्याग दे, ये कैसे सन्यासी हैं? कि त्याग का मार्केटिंग करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। देखिए सन्यास तो कान खोल करके सुन लीजिए, मेरा भी नाम कन्हैया है। अब आप ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य। तो मेरा नाम कन्हैया है और हमको ये पता है कि आप जिस मठ के महंत हैं आप उसके विचारों से भी सहमत नहीं है। और अगर हमको किसी को संत मानना होगा इस देश में तो हम संत तुकाराम को संत मानेंगे, अगर हमको संत मानना होगा तो हम कबीर को मानेंगे, नानक को मानेंगे, मदर टेरेसा को मानेंगे, खुशरो को मानेंगे संत। अगर हमको संत मानना होगा तो विवेकानंद को संत मांगेंगे। ये जो लाला रामदेव है ना इसको कतई संत नहीं मांगेंगे। कि त्याग का मार्केटिंग करके 10-20 हजार करोड़ का मालिक बन करके बैठ गया है और हम लोगों को कह रहा है कि कपाल भाती करो, ये खेल समझ लीजिए। देश के हिंदुओं के मन में ये सवाल ना आए कि आपका बेटा बीटेक इंजीनियर होने के बाद डिप्लोमा करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पा रहा है और अमित शाह का बेटा कभी बैट नहीं पकड़ा है, उसके हाथ में बीसीसीआई थमा दी। जनता को ये नहीं चीखे, इसीलिए पूरा का पूरा खेल जो है वो रचा गया है। कहा क्या जा रहा है कि हिंदू लोग को डरने का जरूरत नहीं है, CAA मियां जी लोग के लिए लाया गया है। ये बात बोली जा रही है, इस बात में कोई हकीकत नहीं है। पता है हकीकत क्यों नहीं है? अच्छी चीज तो छोड़ दीजिए, कोई महामारी भी अगर गलती से कहीं फैलता है तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है मौत भी उसकी ज्यादा होती है। ये अगर कोई नहीं समझ रहे हैं तो मैं बस उनको सॉरी कहना चाहता हूं। हम समझ लेते हैं कि चुरा लिया मेरा जिया वाला हाल है इनका, मोदी जी दिल ही इनका ले लिए। अब दिल दे दिए हैं तो दे दिए हैं, लेकिन एक बार दिमाग से सोचिएगा कि अगर CAA किसी को नागरिकता देने के लिए थी तो CAA 2019 में क्यों लाया गया जबकि 2003 में ऑलरेडी एक नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया था, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी थे। एक तो ही बड़ा गजब चीज है, इनका जो लौह पुरुष है ये ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है, वो बाप से बेटा पे ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं कि हम लोग देश में देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान कर रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। देश के इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं। हर 10-15 साल में बीजेपी अपना एक लौह पुरुष का नया वर्जन पेश कर देता है, जैसे एप्पल का मोबाइल हो, नया वर्जन आ गया है। कल तक लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष कह रहे थे, आजकल अमित शाह को कहते हैं। चुंबक से दूर रखिएगा, चिपक जाएंगे। हालांकि चुंबक से नहीं चिपकते हैं, चंदा से चिपक जाते हैं। बीजेपी को अभी देश में सबसे ज्यादा चंदा मिला है, तो जब जिसका चंदा लेंगे काम भी उसी का करेंगे, स्वाभाविक बात है। इतना तो नमक अदायगी करनी पड़ती है, नहीं तो अगला बार चंदा किसी और को दे देगा। इसीलिए आप देखिए कि जब आप नया नया लोग मोबाइल खरीदना शुरू किए होंगे तो 16-17 वो कंपनी था,
बुढ़ा फोन आई दिया पूरा एयर से एयर टेल थक अब कितना बचा है चार बीएसएनएल जब देश में 4G चल रहा है तो बीएसएनएल जो सरकार की कंपनी है उसको 3G सब जी जो देता था वो आज बिना जी का घूम रहा है और वही नीति है जो CAA में की गई है कि अपना बच्चा को बच्चा मानने को तैयार नहीं है अब पड़ोसी के बच्चा को हाय हाउ आर यू बेबी तो बीएसएनएल को सरकार नहीं पूछ रही है जो सरकार की कंपनी है जियो धन धना धन हो रहा है खेला गुरु जी समझ रहे हैं खेला समझते हैं ऐसी स्थिति है कि काम उल्टा करना पड़ेगा जिनका चंदा लिए हैं इसीलिए एक एक करके जो हमारी कंपनियां है वो बिक रही है ऐसे माहौल में अगर गृह मंत्री को रैली करना पड़ेगा तो वो रैली लोगों को देश की स्थिति बताने के लिए नहीं देश की स्थिति छुपाने के लिए करेंगे या नहीं करेंगे रैली करते हैं और कहते हैं कि जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं वो लोग प्रताड़ित हिंदुओं सिखों बौद्धों जैनों को नागरिकता देने के खिलाफ हैं कान खोल के सुन लीजिए गुरु जी गनमा करा लीजिएगा साफ मंच पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं आप लोग नहीं है ना तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि न्यूज ये ना बन जाए कि सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है खेतों में किसानों की मौत हो रही है जब सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान और खेत में आत्महत्या कर रहे हो किसान तो लाजिम है कि देश में होगा हिंदू और मुसलमान ये तो हिंदू मुसलमान हो रहा है कि ये बोले हैं कि CAA इनकी मजबूरी थी अगर इनको कानून बनाना था CAA से संबंधित तो कानून तो ये 2003 में ही बना चुके थे 2019 में कानून क्यों बनाना पड़ा क्योंकि असली खेला है पूरे देश में NPR तैयार करना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करना और सिर्फ ये मत कहिए कि कागज नहीं दिखाएंगे ये भी कहिए कि NPR में अपने बाप दादों का नाम नहीं बताएंगे अपने दादियों का नाम नहीं बताएंगे कागज दिखाने में समस्या नहीं है हम लोग सरकार थोड़ी है सरकार को कागज दिखाने में डर लगता है इसीलिए जो सूचना का अधिकार कानून है उस कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है क्योंकि उस कानून की ताकत यह होती है कि एक इंसान ने भी गृह मंत्रालय से पूछा कि ये बताओ कि कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो मंत्रालय बोला कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है गृह मंत्री हर भाषण में जाके बोल रहे हैं कि कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग मंत्रालय कह रहा है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है और एक पत्रकार कहते हैं कि हमारे पास है तो आप मतलब मंत्री और मंत्रालय से भी बढ़ करके हैं चापलूसी करते करते कई बार इंसान का दिमाग सनक जाता है आप देखिएगा कि हॉस्पिटल में कुछ कंपाउंडर ऐसे होते हैं जो खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं ठीक है हम हालांकि जरूरत स्वीपर की भी है कंपाउंडर की भी है डॉक्टर की भी है तो ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है सरकार ने कहा कि हम बेकारी का आंकड़ा नहीं देंगे सरकार से आप कुछ भी मांगिए उसका जवाब नहीं मिलता है लेकिन आपसे आपका कागज मांग रहे हैं तो आपको NPR को रोकना पड़ेगा और NPR को कैसे रोकेंगे गांधी को मांगते हैं कि गोडसे को जोर से बोलिए जब गांधी को मानते हैं गोडसे को मानने वालों को बोलने में डर लगता है गांधी को मानने वाले को डर नहीं लगता है गांधी को मानते हैं ना तो गांधी ने नमक कानून के खिलाफ इस देश में असहयोग की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी ने अवज्ञा किया था आप भी सरकार को कहिए कि यह सरकार अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार नहीं मानते
अपने घरों को बाहर लिख करके रखिए कि हम इस घर में रहने वाले लोग संविधान को मानते हैं, इसीलिए संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी एनपीआर और एनआरसी को नहीं मानते हैं। घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, अपने साथ 15 लाख रुपया लेकर के आना, वरना मत आना। इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और जिस तरीके से माँ का आशीर्वाद मिला है, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। शुक्रिया। इनके बाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।